नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका करते हैं स्वागत इंडियन आर्किटेक्ट के यूट्यूब चैनल पर। और आज जिस साइट पे मैं आया हुआ हूँ, ये बिहार के सीतामढ़ी जो स्थान है, जहाँ पर सीता माता का जन्म स्थान भी इसे माना जाता है, यहाँ पर हम एक राम जानकी के मंदिर का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, जिसके अंदर कैसे ये कंस्ट्रक्शन इसका शुरू हुआ, पहले क्या कंडीशन थी, इसके बारे में हम भौजी से जानेंगे। तो भौजी प्लीज़ बताइए। ऐसा है कि ये मंदिर करीब 105 साल पूर्व में हमारे परदादा लोगों ने बनाया जी। मंदिर मजबूत तो था, लेकिन रोड ऊंची हो गई, मंदिर जो नीचा चला गया, इसके कारण प्रत्येक साल बारिश में परेशानी होती थी। ठाकुर जी के डेढ़ बीढ़ी तक पानी चला जाता था जी। तो हम लोगों ने सोचा कि भाई अब ये तो नहीं बर्दाश्त किया जा सकता है कि हमारे ठाकुर जी को बरसात का पानी झेलना पड़े जी। तो हम लोगों ने फिर फाइनल किया कि भाई इस मंदिर को फिर से नए ढंग से बनाया जाए, जो आगे 100 साल आगे कम से कम चले। और उसी हिसाब से हम लोगों ने फिर खोजबीन जो इंजीनियर की शुरू की, तो संजोग से जो है रंजीत जी आए हुए थे, बाहर रहते थे, तो इन्होंने कहा कि हमने कहा कि इस तरह का भी मंदिर जो देखे हैं काठमांडू में, जहाँ इंजीनियर जो है स्वतः जो है बिना कोई चार्ज लिए और जो है डिवोशन के साथ जो मंदिर बनवाए हैं, तो हमने इनके सामने प्रपोजल रखा, तो ये बेचारे बहुत सहर्ष स्वीकार किए। और हम लोग फिर एक मंदिर हमने जो पटरौना में देखा था, वो हमको बहुत अच्छा लगा, जिसमें हम लोग चाहते थे, जितनी चीज़ हम चाहते थे वो सारी खूबियाँ थी उसमें जी। हम लोग फिर टीम बना के, इंजीनियर साहब के साथ हम लोग टीम बना के दो बार गए वहाँ। जाने के बाद देखा मंदिर, तो सब लोगों ने वाह किया, वाह वाह बहुत सुंदर है, हम लोग इसी कॉपी करें। तो उसी की आइडियोलॉजी लेके हम लोग मंदिर को लेके चले हैं। मंदिर करीब स्ट्रक्चर तो बना है, अब उसको सजाने संवारने वाले में अब हाथ लगाना है, अब उसी में हम लोग जो है उसी काम को हम लोग को आगे बढ़ाना है। और ऐसा हम लोगों ने सोचा है कि साहब इस तरह का बनावे कि जो आने वाले जो जेनरेशन को एक इंस्पिरेशन मिले कि साहब हमारे पूर्वज, हम लोग भी चले जाएंगे एक दिन, बच्चे लोग देखेंगे कि भाई जिस तरह हम लोग अपने दादा परदादा को याद करते हैं जी, उस तरह जो है बच्चे भी उस चीज़ को देखें तो उनको महसूस हो कि साहब हमारे पूर्वज इस तरह का मंदिर बना के गए। जैसे हम लोगों ने स्ट्रक्चर तो सर ने बहुत अच्छा बना दिया था, फिर बात आई डिज़ाइनिंग की, उसकी 3D डिज़ाइनिंग और कैसा इंटीरियर एक्सटीरियर होगा जी। तो उसके लिए हम लोगों ने यूट्यूब पे सर्च किया, तो पता चला कि इंडियन आर्किटेक्ट ऐसी कंपनी है चित्तौड़गढ़ की जो इस काम में काफ़ी एक्सपर्ट है। तो हमारी मुलाकात फिर शेखर जी से हुई, फ़ोन पे बात हुई हम लोगों की, इन्होंने डिज़ाइन लिया और एक बहुत अच्छा सा डिज़ाइन हमें 3D डिज़ाइन बना के दिया इसका। फिर उसी डिज़ाइन के अकॉर्डिंग हम लोगों ने मंदिर का काम आगे स्टार्ट किया और अभी काम ऑन दी प्रोसेस है। तो संजोग से शेखर जी बिहार में एक टूर पे आए हुए थे, तो मेरी उनसे बात हुई, तो इन्होंने सहर स्वीकार कर लिया कि ठीक है। तो आज ये सीतामढ़ी हम लोगों के पास आए हैं मंदिर विजिट करने, और इनकी गाइडेंस और इनके सपोर्ट से आशा है कि हम लोग और अच्छा डिज़ाइन एक मंदिर को दे पाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद शेखर जी का भी। थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे सेवा का मौका दिया, हमारी पूरी टीम को सेवा का मौका दिया, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा सबका प्रयास रहेगा कि यहाँ पर जो आपकी विचार है, उन विचारों के आधार पे ये एक खूबसूरत चीज़ बने, जो आने वाली पीढ़ी के लिए भी एक अच्छा टास्क हो कि यार इस तरह इतना खूबसूरत हमारे पूर्वज बना के गए, तो हम इससे बेहतर करना हमारे लिए मुश्किल हो रहा है। ताकि ऐसा कहीं 100 साल बाद जब सोचा जाएगा कि यार तुमने जिसे गिराया है उतना खूबसूरत तुम अब नहीं बना सकते, तो अपना सभी का प्रयास यही है कि एक अच्छी चीज़ बने, खूबसूरत चीज़ बने, मजबूत बने, जो कि यहाँ पर आने वाले, क्योंकि ये एक बहुत ही ऐतिहासिक जगह भी है और धार्मिक जगह भी है, तो जहाँ पर जितने श्रद्धालु लोग आते हैं तो वो जब इस जगह के दर्शन करने के लिए आए तो उनको भी एक पॉजिटिव एनर्जी मिले। वही पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाने के लिए हम लोगों ने स्ट्रक्चर के अंदर भी कुछ ऐसी डिजाइंस दे रहे हैं, इसके जो सीमेंट वर्क हो रहा है उसके अंदर भी कुछ ऐसी डिजाइंस दे रहे हैं कि जिससे लोगों का अट्रैक्शन इसके साथ में बना रहे हैं। तो दोस्तों आप भी अगर इस तरह की कोई डिजाइंस अपने
गांव शहर में बनवाना चाह रहे हैं और आपको कोई रेफरेंस की जरूरत हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल से या फिर हमारी वेबसाइट से आप रेफरेंस के लिए ले सकते हैं। और अगर आपको उसमें कोई चीज़ समझ नहीं हो और आपको तकलीफ हो रही हो या आपके कॉन्ट्रेक्टर को समझना हो तो आप हमारी टीम के साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वो आपको डिटेल से सारे प्रोसेस को बताएंगे कि इस काम को कैसे कैसे किया जाता है। लेकिन अगर आप इसके अलावा कोई यूनिक चीज़ आप बनवाना चाहते हैं तो आप हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं। हम आपको प्लानिंग से लेकर के लास्ट कंस्ट्रक्शन तक का हम लोग सपोर्ट देंगे, जिसमें आपको कैसे आपका प्लान होगा, कैसे उसके अंदर आपकी कंस्ट्रक्शन का लेवल होगी, कॉन्ट्रेक्टर कौन होगा, अगर आपको कहीं मटेरियल की रिक्वायरमेंट होगी तो वो भी हमारी टीम के द्वारा फुलफिल की जाएगी। तो दोस्तों, वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए और भी आगे नए अच्छे प्रोजेक्ट हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। लेकिन मेरा आपसे ये वादा है कि ये मंदिर जिस दिन कंप्लीट हो जाएगा तो हम यहाँ आकर के आपका एक बार कंप्लीटेशन का भी वीडियो और आप सबका रिव्यू भी लेंगे, ताकि आप सबको पता चले कि ये अंडर कंस्ट्रक्शन में क्या इसकी स्थिति थी और आज इसकी क्या परिस्थिति हुई। तो दोस्तों, मैं इस जो अंडर कंस्ट्रक्शन मंदिर है, मैं इसका आपको एक विजिट कराता हूँ। आप देखेंगे ये पूर्व दिशा से रास्ता आ रहा है, जो एक मुख्य मार्ग है। और ये जो बिल्डिंग बनी हुई है, ये भी संस्था की ही प्रॉपर्टी में बनी हुई है। और सामने से अभी वर्तमान में ये कुछ इस तरह का दिखाई देता है, श्री राम विलास मंदिर। और ये आपको इसका पश्चिम दिशा से आने वाला मुख्य मार्ग है। जैसे ही हम इसमें इंटर करते हैं, तो इंटर करने के बाद में आपको कि ये कुछ इसके व्यूज़ आ रहे हैं। फ्रंट में हमने ये विंडोज़ डिज़ाइन की है, हमारे टीम के मेंबर है प्रकाश जी, उन्होंने बहुत ही खूबसूरती से इसका काम किया था। और आगे की तरफ ये हमने अर्ध चंद्राकार इसको शेप दिया है, चंद्राकार शेप इसको मिला है इसके पोर्च का। और एक विंडो जो है, हमने ये फ्रंट में ये तैयार हो चुकी है हमारी डिज़ाइन के हिसाब से। और साइडों में ये दो विंडोज़ जो है हमने दी हुई है। जैसे ही हम अंदर प्रवेश करते हैं तो सामने की तरफ आप देखेंगे तीन गर्भगृह दिए हैं, बीच में राम दरबार इसमें मिलेगा। और दोनों साइडों में एक तरफ सती माता का मंदिर और एक तरफ कुल देवी का मंदिर रहेगा, दादी माँ इनको कहते हैं। और अभी तक यहाँ पर आप देखेंगे कि इसकी सीलिंग पर जो काम है वो काफ़ी खूबसूरती के साथ में हो चुका है। आप देखेंगे यहाँ पर ये सीलिंग पर हमने मथुरा के हमारे कारीगर थे, उन्होंने इस कार्य को किया है। और बीम पर भी ये काम लगभग हो चुका है, तो बड़ी ही खूबसूरती से इसे उखेरा गया है। और अब इसके आगे के काम के लिए भी वहीं से कारीगर लोग आ रहे हैं, और कुछ कारीगर को हमने उड़ीसा से भी बुलाया है जो कि इनके कॉलम्स पर काम करेंगे। और अब ये लगभग फिनिशिंग लेवल पर काम है। आप देख रहे हैं मंदिर का जो हाइट है वो भी लगभग 14 फीट का इसमें लिया हुआ है। बहुत ही भव्यता के साथ ये चीज़ें बनने जा रही हैं। और गर्भगृह की जो साइज है वो 11x11 के दो गर्भगृह है, दूसरा 14x11 फीट का एक बीच वाला बड़ा गर्भगृह है। परिक्रमा का स्पेस भी आप देखेंगे यहाँ पर, बहुत ही सफिशिएंट स्पेस आपको देखने को मिलेगा, ये लगभग 5 फीट का है। और बाहर की तरफ भी इंडिविजुअल परिक्रमा इसमें दी हुई है जो लगभग 5 फीट के आपको यहाँ देखने को मिलेगी। ये पीछे का पोर्शन है, खाली है। भविष्य में यहाँ पर एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स बनने वाला है। इसके अग्निकोण में हम ठाकुर जी की रसोई बनाने जा रहे हैं, उसका भी प्लान है। और इस तरह से ये एक भव्य मंदिर जो है वो बनने जा रहा है। इसी मंदिर का ये पश्चिम दिशा वाला पोर्शन है। और आप इसका देखेंगे काम जो है बड़ी ही स्पीड से इन्होंने पिछले 1-1.5 सालों में करवाया है, और बड़ी मेहनत लगी है, क्योंकि मंदिर जो है वो जो निर्माण हो रहा है वो निर्माण पूर्णतया इन्हीं के परिवार के सदस्यों के सहयोग से ये बन रहा है। तो हम प्रभु से, भगवान से ये प्रार्थना करेंगे कि ये जो काम है अति शीघ्र पूर्ण हो और जल्दी ही भक्तों को यहाँ पर दर्शन का लाभ मिल सके। तो दोस्तों, वीडियो में आप लोग बने रहे, पूरा वीडियो देखा, इसके लिए धन्यवाद। आप आगे के भी हमारे प्रोजेक्ट्स के वीडियो पर आप आइएगा,
और देखते रहिएगा, चैनल्स को सब्सक्राइब करते रहिए ताकि लाइक करते रहिए, वीडियो जब भी आते हैं नोटिफिकेशन आते तो आप उनको वॉच करिए ताकि आपको आगे से आगे नई जानकारी मिल सके। तो मिलते हैं अगले किसी नए प्रोजेक्ट पे, नई साइट पे, तब तक के लिए नमस्कार।